अनुपमा की कहानी में रोज आए दिन बड़े बड़े चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं, लेकिन अपकमिंग ट्रैक तो होने वाला है एकदम धमाकेदार, एकदम शानदार, क्योंकि अनुपमा वनराज को बर्बाद करने के लिए चलेगी एक ऐसी चाल जिसे बिखर कर रख जाएगा वनराज और काव्या के रिश्ते का, हो जाएगा बुरा हाल। अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि कैसे काव्या को इम्प्रेस करने के लिए वनराज अपने घुटनों पर बैठ कर उसे प्रपोज करने वाला होगा और उसे बर्थडे की विश करते हुए कहेगा, हैप्पी बर्थडे काव्या, आई लव यू सो मच। ये कहकर वनराज जैसे ही काव्या को उसकी उंगली में रिंग पहनाएगा, तभी वहां पर ताली बजाते हुए अनुपमा एंट्री लेगी। अनुपमा को इस सिचुएशन में आता देख दोनों हक्के बक्के रह जाएंगे, क्योंकि अनुपमा इस बार अकेली नहीं बल्कि पूरी फैमिली को साथ लेकर के आई है। जी हाँ, यहाँ पर होंगे बाबूजी तोशु, समर, पाखी के साथ साथ संजय भाई और वनराज की बहन भी, यानी कि पूरी फैमिली के सामने आने वाला है वनराज का घिनौना चेहरा कि वो कैसे अपने घर वालों के साथ साथ अपनी पत्नी को धोखा दे रहा था। यहाँ पर बात जैसे ही वनराज और काव्या को देखेगी वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाएंगी और उसके करीब जाकर के उसे ज़ोरदार थप्पड़ लगाएंगी और कहेंगी, मुझे शर्म आती है कि मैं तुझे अपनी औलाद कहती हूँ, मुझे आज वाकई में बहुत शर्म आती है तुझे अपनी औलाद कहते में। ये बात सुनकर अनुपमा के सामने वनराज आग बबूला हो जाएगा, लेकिन माँ की वजह से कुछ भी वो नहीं कह पाएगा। अब इतना बड़ा सच जब घरवालों के सामने आ ही चुका है, अब देखना होगा बेहद इंटरेस्टिंग कि आखिर घरवाले किसको सपोर्ट करते हैं। तोशु जो अब तक पापा के फेवर में था, क्या वो ये सब कुछ देखने के बाद अपने पापा को ही सपोर्ट करेगा? ये सब कुछ देखना होगा, बेहद इंटरेस्टिंग। We'll be right back.